मुंबईतल्या डॉकयार्ड परिसरात एक 4 मजली इमारत कोसळली आहे. ही इमारत कोसळल्यानंतर इथला आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी कुमार पुष्कर राजानी. तकरीबन 6 बजे मुंबई के डॉकयार्ड इलाके में ये मेरे पीछे की जो इमारत है आप देख सकते हैं, इसके गिरने की खबर मुंबई फायर कंट्रोल को दी गई है. तुरंत मौके पर फायर कंट्रोल की टीम पहुंची है. यहाँ पहुंचने पर जो जानकारियाँ निकल कर सामने है उसके मुताबिक ये जो इमारत है तकरीबन 40 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है. निचला माला जोड़कर अगर देखें तो टोटल 4 मंजिला इमारत है ये पूरी. ये इमारत गिरी है. सबसे बड़ी बात यह कि जो वक्त इस इमारत के गिरने का रहा है सुबह का, उस वक्त घर पर रहने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो आदमी हो, महिलाएँ हो, बच्चे, वो तमाम लोग घर के अंदर मौजूद थे. तो वो तमाम लोग अंदर फंसे होने की आशंकाएं जताई जा रही है. ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 35 लोग इस वक्त इस मलबे में अंदर दबे होंगे. कि कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आवाज़ें भी बाहर आ रही है. जिस जगह से आवाज़ें आ रही है लगातार उधर से ठीक उसी रास्ते से फायर कंट्रोल की टीम लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है. मुंबई में पिछले 2 दिनों की बात करें तो बहुत तेज़ बारिश हुई है. कल देर रात भी रुक रुक कर बहुत तेज़ बारिश हुई थी. तो यह आशंका भी जताई जा सकती है कि तेज़ बारिश इस पूरी घटना की वजह हो सकती है. हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ जो लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं जिसे हम चश्मदीद कह सकते हैं, उनसे बात करते हैं. सर अपना नाम बताइए. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये इस इमारत की क्या है कहानी, कितनी पुरानी इमारत थी, क्या इसको छोड़ने का आदेश दिया था बीएमसी ने? छोड़ने का आदेश दिया था, मैंने ये किया था उसको नोटिस दे रखा था इस बिल्डिंग को. तो लोग छोड़ नहीं रहे थे या फिर जितने लोग रह रहे थे छोड़ रहे थे? बीएमसी का क्या ऑफिशियली मैंने काम होना मांगता है ना, इसलिए ये हो गया. कुछ लोग छोड़ चुके थे, कुछ लोग धीरे धीरे छोड़ने वाले थे. अभी तक छोड़ कोई नहीं. क्या रिपेयरिंग का और इसका चालू था काम. कैसे गिरी इमारत में, कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कितने लोग रहते थे इस बिल्डिंग में? 250 लोग रहते. तो अभी कितने लोगों के फंसे होने की आशंका लग रही है आपको? अभी तो बहुत फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा 150-250 आदमी रहेंगे अंदर ही. हाँ, तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जो चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि हालांकि बीएमसी ने नोटिस दिया था लेकिन बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया था. वो जो काम था वो प्रोसेस में था बिल्डिंग खाली करने का और उसके पहले ही ये हादसा हो गया है. इनका यह कहना है कि तकरीबन 250 लोग इस पूरी बिल्डिंग में, जो 4 मंजिला इमारत है उसमें रहा करते थे और तकरीबन उतने ही लोग इस इमारत में फंसे हो सकते हैं. हालाँकि अभी तक जो है जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है. NDRF की जो टीम है उसको कॉल कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर मलबे के अंदर जो लोग फंसे हैं उसको निकाल लिया जाए. क्योंकि अगर आज मौसम की बात करें, हालांकि इस वक्त तक बारिश के कोई अंदेशा नहीं है लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से मुंबई में बारिश हो रही है, अगर इस वक्त राहत कार्य के दौरान बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत ज़रूर पैदा करेगी फायर कंट्रोल के लिए, रेस्क्यू करने वाले अधिकारियों के लिए, साथ ही साथ ये उनके लिए भी बड़ी दिक्कत होगी जो इस वक्त मलबे के अंदर फंसे हुए हैं. कैमरामैन वैभव के साथ कुमार पुष्कर, ZEE मीडिया, मुंबई. ZEE 24 तास, एक पाउल पुढ़े.